और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नए दिन की शुरुआत हमारे गांव का जो पैदल मार्ग है कालीमठ का, तो वहां से हो रहा है। आज मैं अपने बाइक से नहीं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं वो आज मैं चलता हूं थोड़ा घूमने, तो वीडियो में बता दूंगा कहां कहां जा रहा हूं। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं पहाड़ी अजय स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अभी सुबह का 9 बज रहा है और हमारे गांव तक तो 10:15 तक धूप आती है, कुंडजठी गांव तक। तो अभी धूप है, कालीमठ भी नहीं आई है, कालीमठ के थोड़ा ऊपर तक आई है धूप। तो आज कल एक दो दिन से मौसम थोड़ा ठीक है। अब नहीं लगता मुझे कि बारिश आएगी, क्योंकि आसमान देखे तो ऐसा लग रहा है कि अब तो बादल कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। कालीमठ से निकल गया हूँ और अब मुझे आगे उखीमठ जाना है। आप लोगों को अच्छे अच्छे व्यू दिखाता रहूँगा, आप मेरे साथ लगातार बने रहें। अभी मैं निकल रहा हूँ भैरवनाथ, जहाँ पे भैरवनाथ मंदिर है हमारे कालीमठ से थोड़ा आगे, तो मैं कहीं फिर आऊँ। निवासिनी से मेरे मित्र गण भी रिसीव हो गए हैं, तो ठीक है। कितनी देर पहले पहुंचे? अभी बस पहुंच गए हैं। ज्यादा देर नहीं है, कोई देर नहीं। ठीक, अच्छा ठीक है। तो मैं गुप्तकाशी पहुंच गया हूं और यहां पे मेरा जो काम था वो निपट गया है। अब चलते हैं उखीमठ। तो मैं अभी उखीमठ से काफ़ी आगे आ गया हूं और पाली से थोड़ा पीछे हूं। तो यहां पे थोड़ा मुझे ठंड लग रही थी गाड़ी में, थोड़ा धूप लग गई थी। तो आजकल सुबह चलना मतलब बहुत ठंड है सुबह। तो अभी मुझे सफ़र आगे है फाफंज गाँव तक। तो यहां से जो चौखंबा दिखता है तो बहुत अच्छी तरह दिखता है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अभी मैं हूँ सांकरी गांव में। तो शायद मेरे ब्लॉग में सांकरी गांव पहली बार आ रहा है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत गांव है ये। आज मैं पहली बार सांकरी गांव में भी आया हूँ। यहाँ पे मुझे मनीष भाई भी मिले हैं, जो पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत सुंदर गांव है, गुप्तकाशी से थोड़ा ऊपर है, जहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है उसके थोड़ा ऊपर। तो बहुत सुंदर सा गांव है। यहाँ पे एक मीटिंग थी तो उसमें आए थे। यहाँ पे भाई जी भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूअर्स भी हैं। और ठीक ठाक मज़ा उड़ी था? अच्छा, तो पीछे से अभी कुछ पीछे से आ रहे हैं, कुछ आगे से। तो मैं अभी गुप्तकाशी में स्थित हूँ और मंदिर मार्ग और विश्वनाथ मंदिर। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन करा दूं। तो अंदर तो नहीं जाऊंगा, अभी बाहर बाहर से आप लोगों को मंदिर के दर्शन करवाता हूं। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अभी मैं अपने गांव की रोड पे काफी आगे आ गया हूं। ये है बिड़ला की रोड और यहां से आगे अभी तक रोड नहीं कटी है और भविष्य में कट जाएगी। तो यहीं तक रोड है। तो आज हमने काफ़ी जगह भ्रमण किया है। तो हमारे साथ थे मेरे मित्र बड़े भाई प्रकाश राणा जी। तो ये भी कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए फिर हाय नमस्कार। हम लोग पुनः आपके चैनल के साथ जुड़े हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद चाहूँगा कि आपने हमें जोड़ा है। और हम लोग इस समय मेरे जन्मस्थली, मेरी तपस्थली भूमि में हैं, जिसको मैं बहुत ही पवित्रमय और दिव्यमय मानता हूँ। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्राचीन और अटूट मंदिर है। हमारे यहाँ पे माँ धौली देवी का बहुत ही भव्य पवित्र मंदिर है और हम उसकी भूमि में हैं। और यहाँ पे अजय भाई आप आए हैं हमारे गांव में, मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूँ और आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह से अनेक और हर गांव के बारे में आप बताते रहें और हर गांव की विशेषता, हर गांव की जो अपने स्पेशलिटी है वो अपने आप में अलग है। और हर गांव के अंदर जो आपका प्रेम है, सद्भाव है, सौहार्द है, ये लोगों को मिलता रहे,
लोग हमेशा संगठित होकर रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। और आप मेरे पड़ोसी गांव के हैं और आपका जो चैनल है मेरे गांव में सभी लोग देखते हैं, मैक्सिमम लोग जब देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे गांव और आपका गांव में ज़्यादा कोई दूराई नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप प्रत्येक गांव के अंदर जहां जहां जाएं वहां वहां गांव के पवित्रमय और दिव्यमय चीज़ों को दुनिया के समक्ष बताएं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और दिन दुनिया के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं पुनः आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका वेलकम करता हूँ कि आप हमारे गांव में आए हैं। और हमारे गांव में पहले तो सड़क नहीं थी, एट प्रेजेंट हम लोग सड़क से आ रहे हैं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। सड़क किसी भी गांव के लिए गौरव का विषय होता है। ये सड़क एक पहली और प्राइमरी डेवलपमेंट की एक सीढ़ी है कि जो अगर किसी के गांव में सड़क होती है तो आपके पार में अपार संभावनाएं, अपार संसाधन की कमियां नहीं होती हैं। सड़क से आप वो चीज़ कर सकते हैं जो आप अपने जीवन के अंदर करना चाहते हैं। तो सड़क और यातायात जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है और हमें बहुत प्राउड है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से भी आगे जग्गी भगवान हो और उससे भी आगे जो माँ कालीशिला के दरबार तक अगर सड़क चली जाए तो आने वाले यातायात है, आने वाले जो यात्रीगण हैं उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगी और श्रद्धालु यहाँ पे बढ़ चढ़ के आएंगे और हमारे गांव में बहुत सारी अपार संभावनाएं टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ेंगी। तो हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं और आने वाले जितने भी लीडर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और सभी हमारे नौजवान साथी जो स्ट्रगल हैं और उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप ही अपने गांव के लिए मेहनत करते रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच अजय भाई फॉर योर वंडरफुल कोऑपरेशन। थैंक यू राणा जी, थैंक यू राणा जी। आप कहाँ से इतने अच्छे जो लैंग्वेज सीखते हो, कहाँ से सीखते हो आप अच्छा बोलना? देखिए ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए सीखना तो ये है कि सीख जीवन भर मिलती रहती है और जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जिस भी डेस्टिनेशन में जाते हैं, जिस भी स्टेट के अंदर जाते हैं, वहाँ कुछ न कुछ नया हमें सीखने को मिलता है। और मैं टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैं गुजराती और मारवाड़ी लोगों की कम्युनिटी के बीच में रहता हूँ, तो सीखने को मिलता है, रोज़ नए लोग मिलते हैं, रोज़ न्यूज नई जान पहचान होती है। और मैं फॉरेन के बहुत अलग अलग कंट्री में रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे भी वो डेवलपमेंट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन होगा जरूर, जरूर एक दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं अपने गांव कुंजेठी जो सड़क है वहाँ पे आ गया हूँ। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।